नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ICT एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो 500 रुपया करके भेज रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसका चौथा किस्त कब मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कमेंट किए हैं और बहुत सारे व्हाट्सएप में भी मैसेज कर रहे हैं स्टूडेंट कि सर प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में चौथा किस्त कब आएगा, चौथा किस्त के बारे में कुछ डिटेल्स में बताइए। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में चौथा किस्त कब मिलेगा और चौथा किस्त के बारे में डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर न्यू अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऑनलाइन रिलेटेड वीडियो इसी प्रकार का हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा तो अपने तरफ से लाइक करके फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में चौथा किस्त कब आएगा। तो आप लोग अगर यूट्यूब में सर्च करते हैं, ठीक है, चलिए मैं अपना यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यूट्यूब में ओपन कर लिया हूँ, यूट्यूब में लिख दिया हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जनधन फॉर इंस्टॉलमेंट, ठीक है। जैसे लिखेंगे बहुत सारा ऐसा न्यूज़ मिलेगा, इस तरह का वीडियो मिलेगा जिसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब व्यू चला गया है और बहुत अच्छा इसमें आप देख सकते हैं व्यूज़ जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा वीडियो है जिसमें बताया गया कि 500 नहीं 5000 रुपया आ रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा तो है कि 500 रुपया का चौथा किस्त आ रहा है और बहुत सारा ऐसा वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें बोला जा रहा है कि 500 नहीं आपको 5000 रुपया का मतलब आपको मिल रहा है, ठीक है। तो क्या इस प्रकार का न्यूज़ सही है, क्या चौथा किस्त आएगा। चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में अब इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर आता हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में, यहाँ पर आप लोग को पूरा डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका चौथा किस्त के बारे में और 5000 रुपये अमाउंट के बारे में। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपको स्कीम डिटेल्स, देख सकते हैं स्कीम डिटेल्स में चले गए और स्कीम डिटेल्स में यहाँ पर आप लोग सबसे लास्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो 5000 रुपया जो बोला जा रहा है कि जनधन अकाउंट में 5000 रुपया आ रहा है या फिर 500 का चौथा किस्त कब आएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, जो भी YouTube में बता रहा उसका जो वेबसाइट में बता रहा कि आप देख सकते हैं चौथा किस्त भेजने का मतलब गवर्नमेंट अभी सोच रहा है कि चौथा किस्त भेजेगा आपके अकाउंट में कि नहीं, तो उससे डिस्कस हो रहा है। उसका अपना वेबसाइट है, मतलब जो यूट्यूबर है इस तरह का वीडियो बना रहा है उसका अपना वेबसाइट है, अपने वेबसाइट में अपने मन से इस तरह का लिख रहा है। ऐसा कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है और कोई ऑफिशियल नहीं है। सिर्फ आपको अप्रैल में, मई में और जून में ही सिर्फ तीन बार आपको बोला गया था कि 3 मंथ तक 500-500 रुपया करके जनधन अकाउंट में भेजेंगे। फिलहाल अभी कुछ ऐसा नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, गवर्नमेंट ऐसा सोचे भी नहीं है कि इसके बाद आपका चौथा किस्त भी आएगा, ठीक है। सब अपने मन से अफवाह बना के अपना ही वेबसाइट पर अपलोड करके अपना वीडियो बना रहे हैं। तो इस तरह का फेक न्यूज़ पे नहीं जाए। और जो 5000 या 10000 रुपये का बात हो रहा है वो ओवर ड्राफ्ट है, ठीक है। जनधन अकाउंट में एक ओवर ड्राफ्ट के नाम पे एक स्कीम है। अगर आपके पास जनधन अकाउंट है और आपका अकाउंट में अच्छा खासा मतलब आप रेगुलर उसको यूज करते हैं, अमाउंट रखते हैं 5000-10000 रेगुलर अपडेट करते हैं, मतलब क्रेडिट एक बैंक का क्रेडिट होता है, अगर क्रेडिट अगर आपका अच्छा तो आपको ओवर ड्राफ्ट में 5000 और 10000 तक आप निकाल सकते हैं। अगर बैंक में आपका बैलेंस भी नहीं रहता किसी कारण, मतलब जैसे लॉकडाउन में या फिर कोई भी कारण बस आपके पास इस मंथ में या फिर अभी पैसा नहीं है लेकिन आप रेगुलर अच्छा से मेंटेन करते हैं अकाउंट को, जनधन अकाउंट को, तो आप ओवर ड्राफ्ट के माध्यम से बैंक से जाकर पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी अगर न्यूज है 500 रुपया चौथा किस्त या फिर 5000 आ रहा जनधन में, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ न्यूज़ गलत है, अपना एडिटिंग करके बना रहा और अपना ही वेबसाइट में वो अपना डेवलपर अपना वेबसाइट में न्यूज़ बना रहा और उसी को पढ़ के आपको बता रहा कि देखिए सर गवर्नमेंट ऐसा सोच रहा है कि चौथा किस्त देने के बारे में। ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा होता तो पेपर में जरूर आता, न्यूज़ में जरूर आता, ठीक है। फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें ऑनलाइन रिलेटेड वीडियो हमेशा पाने के लिए। चलिए मिलते हैं अब दूसरे वीडियो।